द टाटा स्टील ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का सपना देखा है, जो कि अब राज्य सरकार के सहयोग से पूरा भी होता दिख रहा है। लेकिन इसे लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इस फैसले को सही बता रहा है तो कोई इसे आम जनता के अधिकारों का हनन भी बता रहा है। समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना के काल से जमशेदपुर की कल्पना की जाती है, जहाँ टाटा स्टील की स्थापना हुई और एक सुंदर नगर का सपना कंपनी ने देखा, जिसने झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में अपनी पहचान बनाई। कह सकते हैं कि ये शहर टाटा स्टील की देखरेख में ही चलता है, जहाँ की सड़कों से लेकर अन्य मौलिक सुविधा टाटा स्टील ही मुहैया कराती है। और शायद यही कारण है कि टाटा स्टील का इतिहास जानते हुए पिछले विधानसभा सत्र में झारखंड सरकार ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल नगर बनाने के विवाद को समाप्त करते हुए फैसला दे दिया। पर अब सवाल ये है कि शहरवासी क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बिना सुने या समझे ये आम आदमी के लिए गलत होगा। सुविधा दे और उस पर पैसे ले, उसके कौन मना करता है, लेकिन उसमें जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उसमें जनता का हस्तक्षेप होना चाहिए, जनता के मन के मुताबिक होना चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? जनता जो चाहती है। क्या चाहती है जनता? जनता सबको बिजली पानी, सबको सबको, और उसका रेट उसके हिसाब से होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम हाँ सरकार दे नेचुरली लीज एग्रीमेंट में तो यही लिखा हुआ है, लीज एग्रीमेंट का भी उल्लंघन है। लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जमशेदपुर के सभी लोगों को समान नागरिक सुविधा मिलेगी, उसका नहीं मानते हैं लोग। कंपनी एक्ट में तो ऑलरेडी है टाटा स्टील को देना है। नहीं नहीं, वो सब किसी कुछ 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 नहीं मानती है, किसी को नहीं मानती है। समाज को आईना दिखाने और सरकार को उसकी गलतियों को उजागर करने वाले जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार की माने तो ये पूरा एक आई वॉश है। नहीं तो उसमें मालिकाना हक का जहाँ तक बात है तो उस पर तो सरकार कोई इनिशिएटिव ले नहीं रही है, तो एज यूजुअल चलेगा और संघर्ष हमेशा चलते रहेगा। इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने चाहे कुछ भी बने, उसका सोल्यूशन नहीं होगा। एज ए पत्रकार लगता है तो पूरा पूरा आईवास है, पूरी तरह से आईवास है। और कुछ मैंने संगठित तौर पर ये काम चल रहा है कि टाटा स्टील को भी खुश किया जाए, पब्लिक को ये बताया जाए कि डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ तक संविधानिक अधिकार का बात है उससे तो लोग वंचित हैं। इस मामले पर जिले के एक व्यापारी का कहना है कि यहाँ टाटा स्टील नहीं नगर निगम बनना था। इससे ये साफ दिख रहा है कि भविष्य में टाटा स्टील पावर मिलने पर आम लोगों की सुनेगी ही नहीं। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। यहाँ अगर नगर पालिका हो, जेनेसी हो तो ज्यादा बेटर है शहर के लिए, वो ज्यादा स्वच्छ रखेगी। टाटा स्टील भरोसा क्यों नहीं है? क्यों, कंपनी है, वो अपना सुविधा देखेगा। कंपनी आम पब्लिक का तो शायद हमें नहीं ऐसा महसूस होता है कि वो आम पब्लिक के लिए ज़्यादा सुविधा दे सकेगा। देखिए, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है हमारा गवर्निंग बॉडी के ऊपर। अगर सरकार ने डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ करके लिया है। हमारे साथ टाटा है जो ऑलरेडी जमशेदपुर को देख रही है, गवर्नमेंट है। अगर दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा और अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो लाभ ही लाभ है हमें। अब देखना होगा कि जब टाटा स्टील यहाँ अपना अधिकार बताते हुए इंडस्ट्रियल टाउन बनाती है तो यहाँ के लोगों का भविष्य कैसा बनता है। क्या वह सरकार की सुविधाओं से बेहतर सुविधा प्रदान करती है या फिर केवल आम जनता को ठगने का काम करती है। समाचार प्लस के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।